नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। कर्ज माफी ये एक शब्द नहीं बल्कि एक हकीकत है जो राजस्थान में शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री ने बांसवाड़ा से इसकी शुरुआत कर दी। प्रदेश में 29,30,000 के करीब किसानों को इसका लाभ मिलने वाला है और इससे प्रदेश की सरकार पर 8,000 करोड़ से ज्यादा का भार पड़ने वाला है। कहा जा रहा है कि 30 सितंबर तक सभी किसानों को इसका लाभ मिल जाएगा, साथ ही उनको मिलने वाले लोन में भी कोई समस्या नहीं आएगी। तो क्या कहा जाए कि सियासत को साधते हुए संजीदगी के साथ राजस्थान में किसानों का कर्ज माफ। आज बात इसी मुद्दे पर। कर्ज माफ यानी किसानों की मांग के मुताबिक सहकारी बैंक से लिए गए 50,000 तक के कर्ज को जीरो कर दिया जाए। लेकिन क्या इससे कांग्रेस के हाथों से किसान कर्ज माफी का मुद्दा चला जाए और बीजेपी के पक्ष में किसान हितैषी माहौल बन पाए? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे। इस पर बात शुरू करेंगे मेहमानों से मुखातिब मैं आपको कराऊं, उससे पहले जरा इस रिपोर्ट को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए वर्तमान में किसानों की हालत क्या है, कर्ज माफी किस तरीके से होने वाली है और इस दौरान क्या क्या समस्याएं आने वाली है। ये रिपोर्ट देखिए। माफ तो हुआ है कर्जा सहकारी बैंकों के अल्पकालीन फसली जो ऋण है उनसे सभी किसान जो जुड़े हुए हैं, अगर 50,000 तक उनका कर्जा है तो उसको माफ करने का हम काम करेंगे और बकाया उसके साथ साथ ब्याज और पेनल्टी ये मिला के 50,000 रुपए बन जाते हैं तो उसका फायदा आप लोग सबको मिलेगा। 5 वार्ड में आज मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे फसली ऋण माफी योजना 2018 का शुभारंभ करती नजर आई। बांसवाड़ा के कॉलेज ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस योजना से प्रदेश में 29,30,000 किसानों को फायदा मिलेगा। उदयपुर संभाग के करीब 4 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा। इसके लिए बाकायदा 7 जून से प्रदेश भर में ऋण माफी शिविर लगाए जाएंगे। लेकिन इस दौरान सरकार के सामने कई चुनौतियाँ भी आने वाली है। वित्त विभाग 2,000 करोड़ रुपए अपेक्स बैंक को ट्रांसफर कर देगा, लेकिन इसके बाद भी सरकार को 6,000 करोड़ की जरूरत हो। अभी तक राजस्थान में 22 लाख किसानों का डेटा अपलोड हुआ है, इनमें से सिर्फ 9 लाख के करीब खातों को ही वेरीफाई किया गया है। 90,000 किसान ऐसे हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है, 2,60,000 किसान पलायन कर चुके हैं। माफी कैसे मिलेगी? लेकिन जिस तरीके से सरकार ने कर्ज माफी का ऐलान किया और फिर जिस तरीके से वो कर्ज माफी के लिए काम कर रही है, ऐसे में किसान इसी उम्मीद में होंगे कि जिन समस्याओं का जिक्र हम कर रहे हैं उनको जल्द खत्म कर दिया जाएगा और प्रदेश के हर उस किसान को राहत मिलेगी जो नियमों के मुताबिक राहत का हकदार है। लेकिन क्या एक कर्ज माफ सियासत की दिशा को बदल देगा? ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो रिपोर्ट आपने देखी, इस दौरान आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कर्ज माफी होनी है और इस दौरान किस किस समस्याओं का सामना यहाँ पर सरकार को करना पड़ सकता है। लेकिन क्या कर्ज माफ वाकई में किसानों की हालत को बदल देगा, एक माहौल को भी बदल देगा? आज बात इसी मुद्दे पर करेंगे और इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मदन राठौड़ जी, कांग्रेस नेता गिरिराज गर्ग जी, सीपीआईएम नेता डॉक्टर संजय जी और पत्रकार वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी। गिरिराज जी, शुरुआत में आपके साथ चर्चा की शुरू करना चाहूंगा। आज तो सुकून महसूस हो रहा होगा? नहीं, निश्चित रूप से सुकून तो महसूस हो रहा है कि राजस्थान के अंदर 4.5 साल के अंदर 200 के लगभग किसानों ने आत्महत्याएं की और उसके बाद भी सरकार की नींद नहीं खुली। ऐसी संवेदनहीन सरकार, एक कहावत है कि जिस राजा की प्रजा त्राही त्राही कर रहे हो, अन्नदाता और धरती पुत्र अगर आत्महत्याएं करें तो इससे बड़ा आज़ादी के बाद राजस्थान का दुर्भाग्य नहीं हो सकता था। आज चुनावी लाभ लेने के लिए जो कर रहे हैं और उसमें भी इतनी खामियां हैं कि आप सहकारी बैंकों के मात्र 50,000 रुपए तक के, मुख्यमंत्री जी ने कहा पेनल्टी और ब्याज सहित 50,000, अगर किसी किसान ने 50,000 रुपए लिया है और ब्याज और पेनल्टी के अगर उसके 60-70 हज़ार रुपए हो गए, माफ नहीं करेंगे, 50,000 ही माफ करेंगे। मतलब ये जो एक छलावा जो है किसान के साथ, फिर सरकार कह रहे हैं कि 8,000 करोड़ रुपए ऋण माफ कर दिया जाए और ये महज एक छलावा है। नहीं नहीं, आप देखिए ना, मतलब सिर्फ 2,000 करोड़ रुपए वित्त विभाग ने ट्रांसफर किया है, 6,000 करोड़ रुपए अपेक्स बैंक को जब तक नहीं मिलेंगे। अच्छा, नेशनलाइज बैंकों का क्या होगा? जिस किसान ने नेशनलाइज बैंकों से ऋण ले रखा है
वो फिर आगे ना उसके लिए खुला छोड़ दिया कि उसके ऊपर कोई सरकार विचार नहीं करेगी। वो किसान नहीं है राजस्थान का, वो धरती पुत्र नहीं है, वो मतदाता नहीं है राजस्थान का। ये सब बातें जो है इस चुनाव में 2018 में तय हो जाएगी। सरकार कितना ही छलावा कर ले, राजस्थान का किसान अब ये कह रहे हैं कि सर लगभग 7.5 करोड़ की आबादी जिसमें से 25% एकदम वो है जो वोट भी नहीं डालते हैं, उसके अलावा भी 30 लाख किसानों का कर्ज माफ करना ये छलावा है। निश्चित रूप से सरकार चुनावी मोड़ के ऊपर आके 6 महीने के पहले जो घोषणाएं कर रही है, हमारी सरकार जब थी, जब हमने किसी प्रकार की राहत की घोषणाएं की थी, तब इन्हीं सरकार वर्तमान में बैठे हुए नेताओं ने कहा था कि ये तो जो है वो रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज ये जो कर रहे हैं ये किस रूप में देख रहे हैं, ये कहेंगे कि नहीं हम तो न्याय कर रहे हैं जनता के साथ, किसान के साथ बहुत भला कर रहे हैं। ठीक है मदन राठौर जी, मदन राठौर जी, सर चुनावी साल है, ठीक है, इसी फरवरी में इसकी घोषणा यहां पर की गई, बजट के दौरान घोषणा की गई, अब उसकी शुरुआत यहां पर होने वाली है, आपको लगता है कि रेवड़ियां बांटी जा रही? देखिए मुझे तो आश्चर्य हो रहा है गिरिराज जी पर कि गिरिराज जी कह रहे हैं कि हम तो रेवड़ियां बांटी। अरे आपने किसान का कभी सोचा है क्या? या तो देखिए राजस्थान में भैरव सिंह जी शेखावत ने किसान का कर्जा माफ़ किया था 10-10 हज़ार का, या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया साहिबा ने ही किया है। इसके बीच में कई केवल मगरमच्छी आंसू बहाते रहे, लेकिन किसी भी सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने कभी भी कोई कर्जा माफ नहीं किया। एक मिनट आप सुन लीजिए, देखिए आपने बोला ना, आपने बोला गिरिराज जी, मैं सुनता रहा, प्लीज आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं दूसरी बात और बताऊँ, हम कभी भी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बात नहीं करते, हम किसान के हितों की चिंता करते हैं, किसान की चिंता करते हैं। दूसरी बात गिरिराज जी को मैं बता दूं कि ये जो आपने ब्याज की बात जोड़ी है ना, ये आपकी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, ब्याज अलग है। 50,000 रुपये तक का कर्जा किसान का माफ़ किया जाएगा, जिसने जितना 30 सितंबर 2017 को जो कर्जा ले रखा था, जितना चाहे उसने जमा भी करा दिया हो तब भी उसका 50,000 रुपये तक का, यदि 30,000 कर्जा लिया तो 30,000 ही होगा, 60,000 कर्जा लिया तो 50,000 होगा, लेकिन उसका ब्याज भी माफ होगा। ये एक बात जी। दूसरी बात मैं और बताना चाहूंगा आपको, नेशनलाइज्ड बैंकों की जो आप बात कर रहे हैं ना कि उसका क्या हुआ, उस किसान का क्या हुआ, आपको बड़ी चिंता है ना उसकी, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि उसका ब्याज जो आप 14.5% लेते थे ना, हमने उसको घटा करके 5.5% कर दिया है। आप थोड़ा सोचिए तो सही कि हमने किसान की कितनी चिंता की। सर लेकिन एक नई जानकारी आपने यहाँ पर दी है कि जिसने सितंबर 2017 से पहले कर्जा लिया है, तक जो कर्जा लिया है, उससे पहले जो कर्जा लिया है, उसमें से आप 50,000 को माफ कर देंगे, अगर कोई पूरा भर भी चुका है तो भी उसके खातों में 50,000 जाएगा। बिल्कुल निश्चित रूप से, यदि उसने पैसा भर भी दिया है तब भी उसको 50,000 रुपये तक का कर्जा माफ होगा जी। इंटरेस्ट भी अलग से, ये आप देखिए ना, किसी का तो 1-1 लाख तक माफ होने वाला है, किसी का 10,000 भी होगा, किसी का 15,000 भी होगा, ये तो गणना है, उस गणना के अनुरूप में होगा। ठीक है सर, लेकिन 1 लाख का कर्जा कैसे माफ होगा जब राइडर ही 50,000 का है सर? पैसा कहां से लाएंगे ये पूछ रहे थे गिरिराज जी। जी ये आप सर, ये हम भी पूछना चाह रहे हैं कि 2,000 करोड़ तो ठीक है, लेकिन 8,000 करोड़ अगर पूरा खर्च होना है तो 6,000 करोड़ कहां से आएगा? ये व्यवस्था करना व्यवस्थापक का काम है जी, हम चाहे कहीं से भी व्यवस्था करें, हम ये व्यवस्था करेंगे, उनका पुनर्भरण करेंगे। जो बैंकें जो देगी हमारे विश्वास पर, हमने कह दिया है कि ये करिए तो करेगी वो बैंक है। मैं खुद भी कोऑपरेटिव बैंक का चेयरमैन रह चुका हूं, इसलिए मुझे भी इस सब बातों का ध्यान है पूरा, और हमने पूरी गणना कर रखी है। निश्चित रूप से हम किसानों को लाभ देना चाहते हैं, किसान को। अच्छा एक दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि 29,000 किसान जिनका जिक्र किया जा रहा है उनकी गणना हो चुकी है? देखिए गणना करी है, हमने भी गणना कर ली, अपने अपने क्षेत्र की सारी गणना कोऑपरेटिव बैंक्स ने करके रखी हुई है, और जैसे अभी आज आगाज हो गया, शुरुआत हो गई, अब कर्जा माफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, 7 जून से आप शिविर यहां पर लगा रहे हैं। गिरिराज जी वापस मैं आपके पास आऊंगा सर, और आपसे ये भी जानूंगा कि 200 किसानों की कर्ज जो मौत का आप जिक्र कर रहे हैं, किसने ये आंकड़ा निकाला है, ये भी मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन ठीक है, ओम सैनी जी, सर क्या वाकई में आपको लगता है कि एक मास्टर स्ट्रोक चुनावी साल में? देखिए ये बड़ा पेचीदा सवाल है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि 46 वादे किए थे सुराज संकल्प में, उनमें से अगर 4 वादे पूरे कर देते तो ये किसानों की ये स्थिति नहीं होती। समर्थ फसल का जो मूल्य मिलना चाहिए तो वो मिल जाता, जो बीमा की बात है वो हो जाती, बहरहाल वो तो जाने दीजिए जी। लेकिन दूसरा ये कि जो 50,000 माफ़ करने का है, उसका जो फार्मूला है वो अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है। उसमें यह कि 2 हेक्टेयर ज़मीन के अनुपात में जितना बड़ा खेत होगा उसका कर्ज उतना ही कम माफ़ होगा, वो कैसे वो ज़रा समझ लीजिए। इस हिसाब से अगर 3 हेक्टेयर ज़मीन है किसी किसान के पास में और उसने अल्पकालीन ऋण ले रखा है, तो उसकी जमीन में 2 का भाग देकर 50,000 से गुणा करेंगे, इस पर 33,333 रुपये माफ़ होगा। तो इतना सहज नहीं है ये बोल देना कि साहब ये इस फार्मूले को समझिए आप,
तो जितना उसके अगर ज़्यादा है, उससे पैसा भी ज़्यादा है, तो उसको नहीं माफ़ किया जाएगा। तो लघु और सीमांत किसान तय करने का जो फार्मूला है, वही अपने आप में बड़ा तकलीफ दे है, और वो अपने आप में किसानों में बड़ा संतोष पैदा करेगा। और उसके साथ में जो संकट सामने आएंगे, कांग्रेस के सामने भी आएंगे और बीजेपी के सामने भी आएंगे, जो भी लोग मैदान में जो किसानों की मदद करने के लिए उठ रहे हैं, उनको उन प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ये तो छोड़ दीजिए कि 6,000 करोड़ रुपये आप सहकारी बैंकों को कहाँ से लेंगे और 2,000 करोड़ कहाँ से लाएंगे। सबसे पहले तो ये कि इस फार्मूले से तय होने वाली बात अपने आप में संकट पैदा करेगी। अखबारों में भी इसे नहीं एनालाइज किया गया है, और ये अपने आप में जैसे ही सामने आएगा, मुझे लगता है कि बड़ा संकट पैदा होगा। और किसानों का जो 50,000 तक का ऋण माफ़ करने का जो सिलसिला है, उसमें किसी के वो समझेगा कि मेरा माफ़ हो जाएगा, पता लगेगा कि ज़मीन का इतना हिस्सा है तो उसमें इसका भाग देना पड़ेगा, और उसके बाद में भागफल ये आता है तो इतना पैसा होगा। तो ये तो 50,000 तक है, उसमें 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, आप ये कह रहे हैं सर? बिल्कुल, 2 पर 3 पर जितनी जमीन उसकी बढ़ती चली जाएगी, उतना उसका पैसा कम होता चला जाएगा। लेकिन किसान को कुछ राहत तो मिलेगी। कुछ तो देखिए, ये ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है, ऐसा नहीं है। ये जितना बड़ी बात बताई जा रही है कि 50,000, ये किसान के लिए, किसान जिस तरीके से 46 परेशानियां महसूस की थी भारतीय जनता पार्टी ने सुराज संकल्प में, और 5 परेशानियों का हल इन्होंने बड़ा साफ साफ निकाला था, और वो ये निकाला था कि साहब सारा सुरक्षा अधिनियम बनाएंगे, उपज की इसको लेकर अलग अलग रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था। लघु और सीमांत किसान ऐसे हैं जिनके ऊपर 50,000 से ऊपर भी कर्जा है, वही तो मैं कह रहा हूँ, बहुत कम है सर। हाँ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये अपने आप में बड़ा ये सब जान, इसलिए सोच समझकर तो 50,000 का राइडर लगाया गया होगा। 50,000 का राइडर लगाया, लेकिन जैसे उसका निकालेंगे पैसा ना, तो उसके उसका एक फार्मूला तय है, वो फार्मूला अपने आप में बड़ा दिक्कत है। ठीक है, ठीक है। सीपीआईएम नेता संजय जी हमारे साथ जुड़े हैं। संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि ध्यान याद कीजिए उस आंदोलन को जिसके बाद कर्ज माफी का जिक्र किया गया था। मैं उस हस्ताक्षर पर नहीं जाऊंगा जिसमें कहीं कहीं तक ये नहीं लिखा हुआ था कि ये कर्ज माफी करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि स्वागत योग्य एक कदम है, किसानों को राहत इससे मिलेगी? पहली बात तो साथ ही जो मदन सिंह जी कह रहे हैं, राठौर साहब जी, कि बहुत बीजेपी किसानों की हितैषी है, और बहुत ही मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा जी को बहुत किसानों की हितों की चिंता है, इसलिए उन्होंने कर्जा माफ़ किया है। पहली बात तो ये अपने आप में बात ही एकदम गलत है। यदि किसानों के हितों की इतनी चिंता होती तो कर्जा माफ़ 4 साल पहले कर दिया होता। ये कर्जा माफ़ ये भूल रहे हैं कि किसानों के एक बहुत लंबे संघर्ष, जिसमें कि महीनों तक किसान पड़ाव डाले बैठे रहे, सर्दियों में भी पहले समझौता करने के लिए बैठे रहे जी, 13 दिन तक पड़ाव डाला पूरा। आपको लगता है कि CPIM किसानों की हितैषी है? बिल्कुल, CPIM किसानों की हितैषी है, और किसानों के आपको जानकारी है जब पूरा किसान सड़कों पर था, उस दौरान CPIM के नेताओं ने क्या समझौता किया था? वो समझौता ये किया था कि हमारा जो मांग थी, किसानों का संपूर्ण कर्जा माफी की मांग थी, और मांग कोई हमने समझौता पत्र में लिखा था सर, आप सुनिए, ये समझौता पत्र में लिखा था, समझौता पत्र में लिखा था, बाकायदा मंत्रियों सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन था उसमें? सरकार ने ही समझौता किया, सरकार के 3 मंत्रियों की मौजूदगी में समझौता हुआ था सर। आप CPIM के नेताओं का बताइए ना, क्या उस समझौते के अंदर सरकार की तरफ से लिखा गया था कि संपूर्ण कर्जा माफी की जाएगी? नहीं, सरकार ने कहा कि संपूर्ण कर्जा माफी नहीं, 50,000 तक का कर्जा माफ करने का, सभी प्रकार 50,000 रुपए कर्जा करने का वादा सरकार ने किया था, वादा किया था। उसके बाद में ये लिखा था कि बाकी राज्यों का रिव्यू किया जाएगा, नहीं, नहीं, और उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। अंदर सरकार ने ये कहा था कि हम 50,000 तक का सारा कर्जा माफ करेंगे किसानों का। सर, उस समझौता पत्र को जरा दोबारा पढ़िएगा सर, उसको दोबारा पढ़िएगा, क्योंकि उसको मैं 10 बार यहाँ दिखा चुका हूँ कि किस तरीके से उस समझौता पत्र के जरिए CPIM के नेताओं ने टेबल पर पूरी जंग को हारा था। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन सवाल इस बीच ये भी है कि राजस्थान में बीते 4 सालों के अंदर 80,000 किसान ऐसे हैं जो मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब उसके पीछे कर्ज माफी एक बड़ा कारण नहीं है, ना ही आर्थिक तंगी है, बस ऐसे ही उनकी मृत्यु हो गई। क्या उनको भी इस कर्ज माफी का फायदा होगा? दूसरा, 2,60,000 के करीब किसान ऐसे हैं जो पलायन कर चुके हैं, क्या उनको भी इससे फायदा होगा? और क्या वाकई में जो 8,000 का जिक्र बार बार किया जा रहा है, ये रहा इतनी आसान? एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।